तो हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सब? आइए आप अच्छे होंगे। मैं केपी संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने कल देखा था गाजियाबाद RRTS का स्टेशन, मैंने आप सभी को बड़ी अच्छी तरीके से दिखाया था। दोस्तों आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं दोस्तों गुलढर RRTS स्टेशन और दुहाई RRTS स्टेशन। देखेंगे चल के वहाँ पर जो उसके एंट्री एग्जिट पॉइंट बनाने का काम चल रहा था वो कम्प्लीट हुआ है या अभी किया जा रहा है दोस्तों, तो वो ही देखने के लिए मिलेगा आप सभी को। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा समझो दोस्तों, तो हमें चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर दो, तुरंत बेल आइकन बजा दो, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर दोस्तों। क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब कर लेते हो तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है मुझे, और फिर ज़्यादा से ज़्यादा काम करने का भी आप लोगों के बीच में अपडेट लाता रहूं पर डे रेगुलर, ये मेरी कोशिश रहती है दोस्तों। तो थोड़ा सा आप मोटिवेट करते हो तो मेरा हौसला बढ़ता है, और हौसला बढ़ता है तो मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वर्क दिखाता रहता हूं दोस्तों, जो NCR में अभी इस टाइम पे चल रहा है दोस्तों, उसी की मैं अपडेट आप सभी लोगों के बीच में लाता रहता हूं दोस्तों। तो आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर दो, तुरंत बेल आइकन बजा दो, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस केपी संत के चैनल पर दोस्तों देखते रहो। केपी संत लाता रहता है, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है दोस्तों पर डे। तो तस्वीर आप लोग देख सकते हो, ये एक फ्लाई ओवर है दोस्तों जो राजनगर एक्सटेंशन को जाता है नीचे से वाहन, तो वहीं पर ये फ्लाईओवर है। जैसे ही फ्लाईओवर को क्रॉस करने के बाद में आप सभी को ये गुलढर RRTS का स्टेशन देखने के लिए मिलेगा मेरे प्यारे दोस्तों। और आप लोगों को बता दूं, लेफ्ट हैंड पर अगर हम जाते हैं तो गुलढर के लिए ही चले जाएंगे, वो सारा गुलढर एरिया ही है। तो स्टेशन तो ये पहले ही बन के कम्प्लीट हो चुका था दोस्तों, एक साइड का एंट्री एग्जिट पॉइंट भी बन गया था दोस्तों, यानी राइट हैंड वाला, लेकिन लेफ्ट हैंड वाला बचा हुआ था। तो उसका मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को अपडेट दिया था एक डेढ़ महीना पहले दोस्तों, तो आज मैं इसको दिखाने लेकर आया हूं। तो आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि ये लेफ्ट वाला ये एंट्री एग्जिट पॉइंट है, ये उस टाइम पर बनाया जा रहा था, आधा काम हो चुका था, आज देखते हैं क्या कंप्लीट काम हुआ है या नहीं हुआ है। तो आप लोग वीडियो देखो दोस्तों पूरा आराम से तसल्ली के साथ। तो देख सकते हो यहाँ पर यह ब्लैक टॉप भी हो चुका है जो कि पहले नहीं हुआ था। ये देखो ये लोहे की सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, स्टेयर ये भी नहीं बननी थी। और यहाँ पर देखो अब तस्वीर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर जो पार्किंग एरिया वो बनाया जा रहा है, इसमें ब्लैक टॉप भी कर दिया, आधा तो बन के कम्प्लीट हो गया, आधा अभी बचा हुआ है जैसा आप लोग देख रहे हैं दोस्तों। देखो आप लोग तो अभी कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है, मतलब पूरी तरीके से कम्प्लीट नहीं हुआ है। देखो यहाँ पर ये रोड रोलर करी है जो मिट्टी को एक सार करके फिर इसमें कंक्रीट डालेंगे, उसके बाद में फिर रोरी बजरी डालेंगे और फिर उसमें ब्लैक टॉप कर देंगे। तो ये देखो एंट्री एग्जिट पॉइंट दूसरा है लेफ्ट हैंड वाला, तो ये बन के कम्प्लीट हो चुका है दोस्तों। तस्वीरें देख सकते हो, यहाँ का जो नीचे का एरिया था दोस्तों ग्राउंड लेवल पर वो भी सारा काम कर लिया जा चुका है। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर ब्लैक टॉप भी कर दिया जो कि पहले नहीं था दोस्तों। चलते हैं आपको लोगों को दिखाते हैं चल के आगे दुहाई RRTS स्टेशन दोस्तों। Thank you.
इस जगह से दोस्तों तस्वीरें देख सकते हो, ये दुहाई RRTS के स्टेशन बनाया जा रहा है और साइडों में देखो ये ड्रेनेज बनाया जा रहा है दोस्तों, जो कि यहाँ पर बिल्कुल कंप्लीट नहीं हुआ है, बस रोड चौड़ी करने का काम कर रहे हैं। पहले ड्रेनेज बना रहे हैं, फिर उसके बाद में ये रोड बनाई जा रही है। तस्वीरें देख सकते हो, यहाँ पर कॉन्क्रीट की लेयर डाल दी इन्होंने, अब ब्लैक टॉप करना बाकी रह गया दोस्तों और इसकी साफ सफाई कर दी जाएगी। तो आप लोगों को बता दूँ दोस्तों, राइट हैंड के तो दोनों एंट्री एग्जिट पॉइंट पहले ही बन के कम्प्लीट हो चुके थे, लेकिन लेफ्ट वाले अभी बचे हुए थे, तो उसी को दिखाने वाला हूं मैं आप लोगों को। पिछली वीडियो में जब मैंने दिखाया था तो फिनिशिंग का काम नहीं हुआ था, देखो सारे में ब्लैक टॉप, अभी ताज़ा ही ताज़ा ब्लैक टॉप किया गया और ये रेलिंग लगाई गई है, तस्वीरें देख सकते हो आप लोग। तो यहाँ की ये देखो, जैसे हम अंदर जा रहे हैं तो यहाँ की वेब पार्किंग बिल्कुल बन के कम्प्लीट हो गई है दोस्तों, ये एंट्री एग्जिट पॉइंट भी बन गया है। तो इस पर बस यही बचा हुआ था, जो नीचे नीचे का काम है अंदर का, ये स्टेयर के नीचे का, वही बाकी बचा हुआ, बाकी सारा कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। पिछली वीडियो में जब मैंने आप लोगों को दिखाया तो देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पर बनाया नीचे का, और यहाँ पर जो रोड नहीं थी ना लेफ्ट हैंड पे, ये वाली जहाँ बसेस खड़ी हैं, ये भी बन गई अब दोस्तों, कंप्लीट हो गए। अब बीच का देखो, ये डिवाइडर बचा हुआ, इसमें भी मिट्टी भर दी है, अब इसमें प्लांटेशन कर दी जाएगी। और जो मेन कैरिज वे की लाइन है दोस्तों, बीच वाला ये डिवाइडर है दोस्तों, इस पर तो पहले ही पेड़ पौधे लगा दिए थे, तो ये साइड वाले बचे हुए हैं। आगे वाला देखते हैं कि आगे वाले एंट्री एग्जिट पॉइंट पर कितना बाकी रह गया है काम, वो भी आप लोग देख सकते हो ऐसी वीडियो में। और आप लोगों को बता दूं दोस्तों, तो आप लोग बताओ कि ये KP संत के चैनल पर आप सभी को वीडियोस कैसे लगते हैं, आप नीचे कमेंट हमें ज़रूर कर देना दोस्तों, और वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। मैं ऐसे ही वीडियोस आप लोगों के बीच में लाता रहता हूँ कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड दोस्तों, जो कि हमारे NCR में चल रहा अभी इस टाइम पर। तस्वीरें देख सकते हो, ये भी बन के कम्प्लीट ही हो चुका है दोस्तों। इस पर देखो, इधर तो स्टेशन के पास पास में ही तो यहाँ पर ये पार्किंग बना ली जा चुकी है, लेकिन अंदर की लगी है ये, देखो ये सेफ्टी बोर्ड लगे हुए हैं, इसके बाद में ये अभी पार्किंग नहीं बन के कम्प्लीट हुआ है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर ये गार्ड भी बैठे हुए हैं, सेफ्टी गार्ड देखो ये, तो उधर ही काम बचा हुआ है करने के लिए, ये पार्किंग बनाने के लिए, इसका भी बिल्कुल बन के कम्प्लीट हो चुका है दोस्तों। और तस्वीरें देख सकते हो, कुछ क्या शानदार नज़ारे हैं दोस्तों, भाई हमारे देश में पहली बार, भाई सब इंडियन लेस है ये, जो रैपिड रेल चलाई जाएगी इस रूट पर पहली बार हमारे इंडिया में, सब कुछ इसका इंडिया का ही है दोस्तों, तो इस वजह से ये ज़्यादा सुर्खियों में बनी हुई है दोस्तों, और भविष्य में आने वाले टाइम में ये पूरे हमारे देश में फैलने वाली है दोस्तों, तो इसी वजह से इसका कुछ नाम ज़्यादा ही है दोस्तों। तो आप लोग देखो और इन्जॉय करो, ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए आप लोग बता सकते हो कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों। अच्छा लगा हो कमेंट करें, ख़राब लगा हो फिर भी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं दोस्तों, और जो गलती होती है मेरे बोलने में वो भी आप लोग कमेंट करके बताया करो, और तभी मैं सुधार पाऊंगा अपने आप को, जब आप लोग हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताओगे मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देख सकते हो ये बिल्कुल कम्प्लीट हो चुका है, अब इसके चारों साइड के ये चारों एंट्री एग्जिट पॉइंट भी बन चुके हैं जैसा कि आप लोगों ने देख लिया, और इसका फिनिशिंग का काम होने वाला है, बस हो जाएगा कंप्लीट दोस्तों, और जब इसका इनॉग्रेशन किया जाएगा तब आप लोगों का आपका भाई ज़रूर दिखाएगा और बताएगा दोस्तों। तो ऐसे ही वीडियो देखते रहो KP संत के चैनल पर, KP संत लाता रहता है, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है दोस्तों। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय भारत गाइस।